हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल माइनिंग सरदार रविशंकर। फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग माइनिंग दिशा का सीरीज स्टार्ट किए हुए हैं, जिसमें से हम लोग 100 क्वेश्चन कवर कर चुके हैं पार्ट वन और पार्ट टू में, तो अब पार्ट थ्री का टाइम आ गया फ्रेंड्स, जिसमें हम लोग 101 से लेकर के 150 तक का क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। फ्रेंड्स, जो ऐसे स्टूडेंट है या जो ऐसे व्यूअर है जो पहले का दो पार्ट नहीं देखे हैं, वो चैनल में जा करके पहले का दो पार्ट देख लीजिएगा, ताकि आप लोग का रिवीजन और अच्छा से हो सके। फ्रेंड्स, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 101 101 से स्टार्ट करते हैं। एसओपी का फुल फॉर्म क्या होता है? फ्रेंड्स, एसओपी का फुल फॉर्म स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीड्यूर होता है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है आरएमआर का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आरएमआर आपको पता होगा कि रूफ से जुड़ा हुआ शब्द है, जिसका फुल फॉर्म रॉक मास रेटिंग होता है, जिसके आधार पर हम लोग रूफ बोर्ड या सपोर्ट का चुनाव करते हैं। एबीएस, फ्रेंड्स एबीएस का फुल फॉर्म क्या है? आपको बता दें, एबीएस जो है वो उसका फुल फॉर्म एयर ब्लास्ट शेल्टर होता है, मतलब कि जहां हम लोग का चाल गिरने का संभावना रहता है, वहां पे हम लोग एक ऐसा शेल्टर बनाते हैं, जहां चाल गिरने का कोई संकेत मिलने लगे तो हम लोग फटाक से जा करके उसमें छुप जाए। नहीं तो कभी कभी क्या होता है कि उसका हवा का मतलब सक्शन और मतलब डिलीवरी इतना तेज़ होता है कि वो आदमी को दूर तक हवा का झोंका फेंक देता है, या फिर किसी को खींच के गोफ में लेते जाता है, इसलिए वहाँ पे एबीएस बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एएफडीएसएस का फुल फॉर्म क्या होता है? तो फ्रेंड्स, आपको बता दें, एएफडीएसएस का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटिक फायर डिटेक्शन एंड सप्रेशन सिस्टम, जो अभी हर एचईएमएम में लगाना अनिवार्य हो गया है, ताकि अगर उस एचईएमएम में किसी तरह का आग लगता है तो उसको बुझाने का ऑटोमेटिक व्यवस्था रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि एएफडीएसएस क्या काम में आता है? तो जैसे कि अब हम अभी बता दिए हैं आपको कि एएफडीएसएस जो है वो ऑटोमेटिकली फायर को डिटेक्ट करता है और उसको बुझाने का काम करता है, ये एचईएमएम में लगा हुआ रहता है। एचईएचएफएल का फुल फॉर्म क्या होता है? फ्रेंड्स, एचएफएल का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एचएफएल का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट फ्लड लेवल, फ्लूइड नहीं, FLUID अगर आपको ऑप्शन में देता है तो फ्लूइड मत टिक मारिएगा, हाईएस्ट फ्लड लेवल होगा, मतलब कहाँ तक पानी कहाँ तक पहुँचा है कभी किसी बाढ़ का स्थिति में। FLP क्या होता है? फ्रेंड्स, FLP ऐसे तरह का उपकरण होता है जो आग को बाहर निकलने नहीं देता है, ताकि उसके बाहर का वातावरण में अगर ज्वलनशील गैस अवेलेबल भी है तो वहाँ पे वो फ्लेम को पहुँचने नहीं देगा, ताकि आग या विस्फोट से बचाया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, HL क्या होता है? तो आपको बता दें, HL मतलब होता है हाइट इज टू लेंथ का रेशियो, ये स्टोइंग से जुड़ा हुआ शब्द है, कि स्टोइंग में जो हम लोग सैंड और वाटर को मिक्स करते हैं, वो पाइप जो रहता है उसका कितना हाइट और कितना लेंथ लेना है उससे रिलेटेड है। लीच होल्ड एरिया किस रंग से दर्शाया जाता है? फ्रेंड्स, आपको हम पहले भी बता चुके हैं कि लोगो और साइन से जुड़ा हुआ जितना भी चीज़ें रेगुलेशन के पीछे अवेलेबल है, आप उसको जाकर के पढ़ लीजिएगा। DGMS परीक्षा के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? तो फ्रेंड्स, आपको ऑलरेडी बहुत अच्छे से पता होगा जब आप गैस टेस्टिंग का एग्जाम दे रहे होंगे तो, कि DGMS परीक्षा के लिए न्यूनतम 20 साल की उम्र होना जरूरी है। CO गैस नापने के लिए क्या क्या यंत्र है? फ्रेंड्स, बहुत सारा यंत्र है CO गैस नापने के लिए, उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट जो है मल्टी गैस डिटेक्टर, टॉक्सिक मीटर, ये सब जो है फ्रेंड्स, ये सब अभी हाल के चलन में चला हुआ माइंस में टॉक्सिक मीटर बहुत ज़्यादा यूज होता है, तो आप लोग ये सब डिवाइस को ध्यान में रखिएगा। अच्छा, एक और क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि मिथेनोमीटर किस प्रिंसिपल पे काम करता है? तो आपको बता दें, मिथेनोमीटर व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल काम करता है, D6 मिथेनोमीटर जो था। अब फ्रेंड्स, उसमें जो रहता है सेल लगा हुआ रहता है, उसमें एक सक्शन प्रोब रहता है, ऐसे मिथेनोमीटर के आगे एक टेलीस्कोपिक प्रोब भी लगाने का देता है, कि अगर हम लोग को ज़रूरत से ऊंचा जगह से अगर सक्शन करना रहे तो वहाँ वो टेलीस्कोपिक प्रोब का मदद से हम लोग वहाँ का एयर का सैंपल ले सकते हैं। खदान में सबसे खतरनाक गैस कौन सी है मनुष्य के लिए? तो ह्यूमन के लिए फ्रेंड्स, CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड सबसे ज़्यादा हार्मफुल है, क्योंकि वो जो है चुपके से मौत दे के चला जाता है, मतलब पता भी नहीं चलता है कोई उसके एटमॉस्फेयर में अगर आ जाए CO का एटमॉस्फेयर में, तो उसको पता भी नहीं चलेगा, वो स्लोली मतलब CO का शिकार हो जाता है। माइनिंग सरदार ड्यूटी के दौरान कितनी बार जांच करेगा? तो फ्रेंड्स, माइनिंग सरदार ड्यूटी के दौरान कम से कम 3 बार जांच करेगा।
माइनिंग सरदार किस रेगुलेशन के तहत अपना रिपोर्ट भरेगा, इसका आंसर फ्रेंड्स आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। मीथेन का मिनिमम एक्सप्लोजन लिमिट कितना है, इसका भी आंसर फ्रेंड्स आप लोग हमको कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। रिटर्न एयरवेज में मीथेन का कितना परमिसेबल लिमिट है, फ्रेंड्स 0.75% से अधिक नहीं होना चाहिए। इलेक्ट्रिकल फायर को किस फायर एक्सटिंग्विशर से बुझाया जाएगा, तो फ्रेंड्स आपको अच्छे से पता होगा इसके लिए ड्राई पाउडर टाइप या फिर CO2 टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर हम लोग यूज़ करते हैं। हॉल रोड का ग्रेडियंट कितना होना चाहिए, फ्रेंड्स 1:16 अधिक नहीं होना चाहिए। रैम्प का ग्रेडियंट कितना होना चाहिए, तो फ्रेंड्स 1:10 से अधिक नहीं होना चाहिए, और वो उसमें सिर्फ क्लाउडर माउंटेड मशीन चलेगा। और एक स्ट्रेच में रैम्प को हम लोग कितना लंबा ले जा सकते हैं, इसका आंसर फ्रेंड्स आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। बर्म की ऊंचाई कितनी होती है, बहुत कंफ्यूजन है ये क्वेश्चन को लेकर के, समझ में ही नहीं आता इसका क्या आंसर दूँ या कौन सा आंसर सही रखूँ। ऐसे फ्रेंड्स जो मिनिमम मैं बता दे रहा हूँ कि 1 मीटर हाइट या फिर डायमीटर ऑफ टायर, इनमें से जो ज़्यादा हो उसको रख करके चलना है, ठीक है फ्रेंड्स। हाइट 1 मीटर या फिर टायर का डायमीटर, दोनों में से जो ज़्यादा हो उसको लेकर के चलना है। कार्बन मोनोऑक्साइड की परमिसेबल लिमिट कितनी निर्धारित की गई है, फ्रेंड्स इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में जाके दीजिएगा। सिक्वेंशियल कंट्रोल किस सिक्वेंशियल कंट्रोल उपकरण किस में इस्तेमाल होता है, तो फ्रेंड्स ये कन्वेयर बेल्ट में इस्तेमाल होता है। एंकरेज टेस्टिंग किसका करते हैं, तो फ्रेंड्स सपोर्ट का करते हैं, और कैसा सपोर्ट का करते हैं, रूप बोल्ट का करते हैं। माइनिंग सरदार का ड्यूटी किस रेगुलेशन में, फ्रेंड्स आप इसका आंसर कमेंट में जा करके दीजिएगा। फ्लेम सेफ्टी लैम्प क्या क्या जाँच किया जाता है, फ्लेम सेफ्टी लैम्प से तो आपको बता दें डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन, प्रेजेंस ऑफ CH4, ये दो चीज़ हम लोग इससे जाँचते हैं, और इस एबसेंस ऑफ ऑक्सीजन से प्रेजेंस ऑफ CO2 का भी अंदाजा लगाया जा सकता है। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टोन डस्ट बैरियर क्यों लगाया जाता है, तो स्टोन डस्ट बैरियर हम लोग कोल्ड डस्ट एक्सप्लोजन को प्रोपोगेट करने से रोकने के लिए बनाते हैं। सेल्फ रेस्क्यूअर किन किन डिग्री माइंस में इस्तेमाल होगी, फ्रेंड्स सारे डिग्री माइंस में इस्तेमाल होगी। कैप लैम्प कैसा डिवाइस है, फ्रेंड्स इसको लेकर के भी बहुत कंफ्यूजन चलता है। अभी हाल में जितना भी कैप लैम्प आ रहा है सब इंटेंसिकली सेफ डिवाइस आ रहा है, लेकिन कई सारा वैकेंसी में जो आंसर लिया गया है उसमें वो नाइदर फ्लेम प्रूफ नाइदर इंटेंसिकली सेफ ले रहा है, तो देख लीजिएगा आपको जो क्वेश्चन में पूछा जाएगा उसके ऑप्शन के हिसाब से आंसर दीजिएगा। जनरल बॉडी ऑफ एयर में ऑक्सीजन की मात्रा कितने से कम नहीं होनी चाहिए, फ्रेंड्स इसका भी आंसर आप कमेंट में दीजिएगा। स्पॉन्टेनियस हीटिंग क्या है, फ्रेंड्स स्पॉन्टेनियस हीटिंग स्लो ऑक्सीडेशन या स्वतः दहन कहा जाएगा, मतलब कि जब कोई कार्बन वाला चीज़ ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो वो रिएक्शन करता है और वो जो है क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है। और ये जो रिएक्शन होता है फ्रेंड्स ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो भी रहता है वो हीट को प्रोड्यूस करता है, और ये हीट जब बाहर नहीं निकल पाता तो धीरे धीरे जो है वो हीट जमा रहता है और अचानक से आग लग जाता है। फ्रेंड्स फ्लेम सेफ्टी लैम्प में वायर गॉज का क्या काम होता है, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ट्रैवलिंग रोडवेज की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होती है, फ्रेंड्स इसका भी आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कोई वर्कमैन इंस्पेक्टर किसी खदान में वर्कमैन इंस्पेक्टर के रूप में 1 हफ्ते में कितने दिन काम करेगा, फ्रेंड्स 2 दिन काम करेगा 1 हफ्ते में। वर्कमैन इंस्पेक्टर की अवधि कितनी होती है, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अंडरग्राउंड सॉलिड ब्लास्टिंग में किस प्रकार का परमिटेड बारूद यूज होता है, तो फ्रेंड्स P5 टाइप का बारूद यूज होता है। अंडरग्राउंड माइंस में कैसा डेटोनेटर यूज होता है, तो आप इसका भी आंसर जो है वो कमेंट में जाकर के बताइएगा। एक और क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि डेटोनेटर जो है किस मेटल का बना होता है, कॉपर का बना रहता है कि आयरन का बना रहता है, इसका भी आंसर आप सोच करके हमको कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि एयर क्रॉसिंग का क्या काम होता है, तो फ्रेंड्स एयर क्रॉसिंग का काम रहता है कि इनटेक और रिटर्न को एक दूसरे से अलग करके रखना। कोई एक जंक्शन ऐसा पड़ जाए जहाँ इनटेक और रिटर्न दोनों को पास करवाना पड़े, तो दोनों को अलग अलग रखा जाए। एयर का वेलोसिटी किससे नापा जाएगा, तो फ्रेंड्स वेलोमीटर और एनेमोमीटर से नापा जाएगा। एनेमोमीटर में कितना ब्लेड रहता है, वो कितना डिग्री एंगल में मुड़ा रहता है, इसको जरा सा देख लीजिएगा। कॉक की स्लीपर की लंबाई कितनी होती है, तो फ्रेंड्स कॉक की स्लीपर की लंबाई 1.2 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। वेट बल्ब टेम्परेचर कितने से अधिक नहीं होना चाहिए, तो फ्रेंड्स इसका भी आंसर आप कॉमेंट सेक्शन में जाके बताइएगा। हाइग्रोमीटर में कुल कितना थर्मामीटर होता है, तो फ्रेंड्स हाइग्रोमीटर में 2 थर्मामीटर होता है। हाइग्रोमीटर में जो थर्मामीटर रहता है उसमें से कितना थर्मामीटर में कपड़ा बंधा रहता है, तो फ्रेंड्स 1 थर्मामीटर में कपड़ा बंधा रहता है, जिससे हम लोग वेट बल्ब टेम्परेचर मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर बिजली के आग में इस्तेमाल किया जाता है, फ्रेंड्स इसके आंसर पहले भी दे चुके हैं। गोफ किससे संबंधित रखता है, बोर्डन पिलर या लॉन्ग वॉल, तो फ्रेंड्स ये दोनों से संबंधित रखता है। डिप्लेयरिंग से पहले कौन सा स्टॉपिंग बनाते हैं, तो फ्रेंड्स डिप्लेयरिंग से पहले हम लोग
प्रिपेरेटरी स्टॉपिंग बनाते हैं, और अगर कहीं पे छूटा हुआ है पैनल में, कहीं अन्य जगह भी छूटा हुआ, तो वहाँ हम लोग आइसोलेट कर देते हैं। पिलर को काटने की विधि को क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स, पिलर की काटने की विधि को हम लोग डिक्लेयरिंग कहते हैं। कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर को काम में लगाने से पहले क्या क्या करवाना जरूरी है? तो फ्रेंड्स, उसका IME और VT करवाना जरूरी है। ब्लास्टिंग कार्ड किस में यूज़ होता है? अंडरग्राउंड या ओपन कास्ट में? तो फ्रेंड्स बता दें, ब्लास्टिंग कार्ड अंडरग्राउंड में यूज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, माइंस में ट्रैफिक रूल कौन बनाता है? तो इसका आंसर आप कमेंट में दीजिएगा। सेक्शन 22 लगाने का पावर किसके पास है? तो फ्रेंड्स, सेक्शन 22 लगाने का पावर DGMS के पास है। DGMS कहिए या DMS कहिए या रीजनल इंस्पेक्टर बोलिए या चीफ इंस्पेक्टर बोलिए, तो इसमें ऑप्शंस यही सब देगा, लेकिन ज़्यादातर इसका ऑप्शंस जो आज तक कंपनी लिया है वो DGMS ही लिया है। तो इसका उम्मीद है आंसर अगर देना पड़े तो ऑप्शंस आपको DGMS देगा ही देगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग 150 क्वेश्चन को कवर कर लिए हैं। अभी अभी जस्ट हम लोग 101 से लेकर 150 तक का क्वेश्चन कवर किए। नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स हम लोग 151 से 200 तक का क्वेश्चन को कवर करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियोज अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर आपको लगता है कि ये वीडियोस आपके किसी फ्रेंड का हेल्प कर सकता है तो आप ये वीडियो का अपने ग्रुप, अपने व्हाट्सएप ग्रुप, अपने टेलीग्राम ग्रुप और फेसबुक में शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।